नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन, आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना तय हुआ है। ट्रस्ट ने उन्हें इसके लिए न्योता भेजा है। मनमानी कीमतों की वसूली को रोकने के लिए पटना के जिला अधिकारी ने खाद्य पदार्थों की सूची दुकानों में लगाने को कहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सहूलियत हो सके। दर की सूची लगाने के आदेश का उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। जदयू ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयारी तेज कर दी है। सांसद आरसीपी सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क के दौरान अपना परिचय नीतीश कुमार के रूप में देने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सावन की तीसरी सोमवारी पर रुद्राभिषेक किया और बिहार में कोरोना के विकराल रूप से जनता को बचाने के लिए प्रार्थना भी की। तेजस्वी यादव ने भोले शंकर की पूजा के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि पवित्र सावन माह की सोमवारी अमावस्या के दिन बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस संकट काल में ईश्वर सभी देशवासियों को स्वस्थ, सफल, सुखी और संपन्न रखे, यही मंगल कामना है। हर हर महादेव। पटना पुलिस मुख्यालय में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एक आईजी के तबियत खराब होने और कोरोना के लक्षण होने की खबर है। वहीं पुलिस मुख्यालय के 3 डीएसपी, 1 इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही रामकृष्णा नगर थाने के जमादार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय टीम को मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में जांच की सुदृढ़ व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड के लक्षण वाले संक्रमितों की अब ऑन डिमांड जांच की जाएगी। मुख्य सचिव ने भी बताया कि राज्य में जांच सेंटरों की संख्या 55 की गई है। पटना के पारस अस्पताल और रूबन मेमोरियल अस्पताल में फिलहाल कोविड-19 के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसको लेकर सिविल सर्जन पटना ने इन दोनों अस्पतालों को रविवार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अपने यहाँ के कम से कम 25 बेड को कोविड-19 मरीज के लिए सुरक्षित रखें। अपने यहाँ कोविड-19 का इलाज शुरू कर दे। बिहार में मानसून की एंट्री के साथ ही सूबे में बारिश लगातार हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार और नेपाल से सटे 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की स्थिति भी बनी रहेगी। सिवान धोरंदा पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में 327 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। खबर के अनुसार धोरंदा थाना अध्यक्ष अमित सिंह को इसकी गुप्त सूचना मिली कि भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब बिशनपुरा निवासी नागेंद्र सिंह के बथान में रखा हुआ है। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने बताया कि नेपाल पुलिस द्वारा किशनगंज में भारत नेपाल सीमा के पास 3 भारतीय लोगों पर फायरिंग की गई है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 1 भारतीय घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से स्थानीय पुलिस एमएसएसबी अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इस घटना को लेकर पूरे मामले पर पुलिस की नजर बनी हुई है।